आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है आज क्लास एलेवेंथ केमिस्ट्री में जो इसका यूनिट सेवन है इक्वेरियम इसमें टॉपिक नंबर ट्वेल्व पे हम लोग चल रहे हैं जो इसी एक्म लेसन का एक कंटिन्यूस टॉपिक है और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो आयनिक इक्वेरियम जो सॉल्यूशन में होता है इसका पैटर्न क्या है और आर्हेनियस ने जो कि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड बेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग डिटेल्स देखेंगे आइए अब आयनिक इक्वेरियम इन सॉल्यूशंस वाले टॉपिक पे चलते हैं <coughs> देखिए जैसा आप नाम से ही पता है कि इक्लिबीरियम इन्वॉल्विंग आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्वेरियम अब सवाल है कि आयंस में टूटना है तो आयंस में तभी टूटता है जब इसको बेसिकली हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं अब अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल्स है वो अपने आयंस में डिसइंटीग्रेट हो गया और वो एक्वस सॉल्यूशन में है और वो केमिकल एक्लिबीरियम में है तब हम कह सकते हैं इसको आयनिक एक्वीरियम ओके क्योंकि ये आयंस जो है दैट हैज़ बिन डिसोसिएटेड एंड प्रजेंट इन टू द एक्वस सॉल्यूशन अब सेकेंड पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखें कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट की मैटर है कि माइकल फैराडे जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इन्होंने क्लासिफाई किया है माइकल फैराडे क्लासीफाई द सब्सटेंस इनटू टू कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी एबिलिटी के कारण माइकल फैराडे ने जनरली जो है आपको सब हैं इनको दो कैटेगरी में डिस्टिंगस किया है पहला किया है इलेक्ट्रोलाइट दूसरा किया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स बताया है कि वैसे सबस्टांस होते हैं दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देअर एक्वा सोल्यूशन जब एक्वा सोल्यूशन हो तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में वैसे सबस्टांस हैं दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देअर एक्वा सोल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में वो फॉर्म्स होते हैं जो कि एक्वा सोलूशन्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं इसके एग्जाम्पल्स में बताया जैसे मान लीजिए उसके बाद फिर फेराइडे ने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग और वीक दो टाइप से होते हैं अब जैसे स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि एलेक्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इंटू आयन फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड अब जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये क्या करता है जब डिसोसिएट होता है तो कम्प्लीटली जो है आयंस में जैसे सोडियम एन है तो सोडियम प्लस और क्लोरिन माइनस में हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा और बहुत तेजी से होता है ये है ना वही जो थोड़ा दिक्कत से डिसोसिएट हो कम मात्रा में डिसोसिएट हो तो उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जैसे जो कि पार्शियली आयोनाइज हो कम मात्रा में हो जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड तो इसकी मात्रा जो है डिसोसिएशन की वो कम होती है आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इक्लिबीरियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन आयन एंड अन आयोनाइज मॉलिक्यूल जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इसमें कह रहा है कि जो इक्लिबीरियम एस्टेब्लिश होगा वो आयन में होगा जो आयन टूटा है और अन आयोनाइज जो कि अभी टूटा नहीं है टूटने वाला है फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी एच थ्री सी डबल ओ एच है और ये देखिए सी एच थ्री सी डबल ओ और एच प्लस आयोनाइज हो गया है तो इक्लिबीरियम इन्हीं दोनों के बीच में मतलब मैनेज uh, होगा ठीक है अब जैसे देखिए यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि एसिड बेसिस इन सॉल्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्ट एज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अब जैसे देखिए यहाँ पर एसिड हो गया बेस हो गया और सॉल्ट हो गया ये सभी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं ठीक है और इनको हम या तो स्ट्रोंग बोलते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ डिसोसिएशन इनटू टू द एक्वासोल्यूशन अब देखिए डिसोसिएशन जो है डिसोसिएशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन इन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज सच इन सॉलिड स्टेट ऑफ द सोल्यूड एज इन सोडियम क्लोराइड अब जैसे देखिए मान लीजिए ये बता रहा है कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है एन है तो ये जो है आपका एन और यहाँ देखिए सी माइनस में ये ब्रेक डाउन हो गया तो बेसिकली सॉलिड में भी इसी तरीके से ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड में एक बॉन्ड बनाकर लैटिस बॉन्ड बनाकर ये एन के फॉर्म में रहता है हम्म लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में डालेंगे तो एन ए प्लस और सी एल माइनस निकल कर अलग अलग हो जाएगा फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऑन अदर हैंड आयोनाइजेशन कॉरिस्पॉन्ड्स टू द प्रोसेस इन विच न्यूचुरल मॉलिकुलट्स इन टू चार्ज आयन इन द सोलूशन अब जैसे मान ली NaCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अब जैसे ये अगर सेपरेट आउट होगा तो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में तो एक प्रकार से इस पर चार्ज आ गया जो पहले एक तरह से न्यूट्रल था NACL अब वो चार्ज में हो गया लाइक Na प्लस और Cl माइनस में यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को आ, कि यहाँ ध्यान देना है कि वी shall नॉट डिस्टिंग बिटवीन द टू एन यूज द टू टर्म अब यहाँ पर क्या है देखिए कि ये जो टर्म है जैसे एन ए प्लस हो गया सी एल माइनस हो गया ये स्प्लिट होकर बाहर आया लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एज ए होल हम लोग कंसीडर करेंगे और फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या है इसमें देखिए अब यहाँ हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को एक एक करके देखेंगे कि बेसिकली इसमें क्या होता है ये एसिड क्या होता है बेस क्या होता है और फॉल्ट क्या होता है एसिड्स को जरा सा ध्यान से देखिए हम लोग जनरली अपने डे टू डे लाइफ में एसिड्स का इस्तेमाल करते ही हैं वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी प्राइमरी वाला कॉन्सेप्ट हो गया उसको हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे आपके अलेवेंथ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इस प्रोसेस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे देखिए जैसे आप लोग बहुत सारे टर्म से पहले से भी परिचित हैं देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एस वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में भी मौजूद होता है पेट वगैरह में आपको मालूम है एक ऑक्जेंटिक सेल होता है पेट के अंदर उसके इनर लाइनिंग में दैट दिक्रिट दैट सीएल है ना वो पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है एसिडिटी इज वेरी मच नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द एंजाइम्स एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस में प्रजेंट रहता है और ये एस्टोमैक की जो लाइनिंग होती है अंदर की जो लेयर होता है वो उससे सेक्रेट होता है और ये 1.2 टू 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से सेक्रेट होता है इट्स नॉट लेस अमाउंट 1.2 टू 1.5 लीटर इज अ प्रीटी इनफ ओके एंड इट इज एसेंशियल फॉर द डाइजेस्टिव प्रोसेस एफ टी इज नोन टू बी द मेन कॉन्स्टिच्यूंट्स ऑफ विनीगर विनीगर जो मार्केट में विनीगर वगैरह यूज़ करते हैं चाइनीज कुकिंग में आप देखते होंगे उसमें एफ टी कैफिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेमन हो गया ऑरेंज औरेंज जूसेज कॉन्टेंसीट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड जैसे मान लीजिए कि लेमन जूस हो गया सिट्रिक ऑरेंज जूस कॉन्टेन सिट्रिक एस्कॉर्बिक एसिड टारटेरिक एसिड ये टैमरिन जो इमली होता है उसमें पाया जाता है बहुत सारे एसिड्स आप देख रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं देखिए द मोस्ट एसिड टेस्ट और एसिड का टेस्ट कैसा होता है खट्टा होता है द वर्ड एसिड ये एक लैटिन वर्ड जो है जिसका नाम होता है एसी डूस एसिडूअस मतलब जिसका मतलब होता है खट्टा उनसे जो है सौर उससे ये लिया गया है हुँ? तो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट है कि एसिड आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड जब लिटमस टेस्ट करेंगे आप तो एसिड जो होता है एसिड वो एसिड जो होता है वो आपका जो ब्लू लिटमस होता है ब्लू लिटमस पेपर जो होता है इसको ये क्या कर देता है भाई ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस क्या कर देता है इसको उल्टा करता है रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है तो ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं चलिए और और आप देखेंगे ये भी कि ऐसी जो है हाइड्रोजन को भी लिबरेट करता है ऑन रिएक्टिंग विद सम मेटल्स अगर मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है अब ये देखिए बेसिस क्या है भाई यहाँ पर बेसिस जो हो गए बेसिस जो है वो क्या करता है लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है क्या कर देता है रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू और इसका टेस्ट भी बीटर होता है टेस्ट कैसा होता है बेसिस का बीटर होता है एक्रिड आप अगर देखेंगे तो और इसको जब आप छूएगा तो इसका टेक्स्चर जो है इसकी जो फीलिंग्स होगी छूने के बाद आपको वो सो, सोपी नेचर का होगा साबुन की तरह छि फिसलेगा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट जैसे बेस का अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं तो वॉशिंग सोडा जो है वो आपका एक बेस है और जो कि हम लोग वॉशिंग पर्पस में यूज करते हैं अब आ जाइए सॉल्ट देखिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम समय के साथ बताएंगे अब देखिए सॉल्ट का हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं फॉल्ट क्या है देखिए जब एसिड और बेस दोनों मिक्स कर देते हैं राइट right प्रोपोर्शन में तो दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव सॉल्ट जब एसिड बेस रिएक्ट करता है राइट प्रोपोर्शन में तो सॉल्ट बनाता है आप जानते हैं बहुत पॉपुलर एक रिएक्शन है जैसे मान लीजिए ये, ये देखिए एन ए ओ एच हाइड्रोक्साइड और एस सी एल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो आप यहाँ देखेंगे कि एन ए सी एल और प्लस ये आपका वाटर बनता है। बहुत पॉपुलर है ये छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है कि वेन बेस सॉल्ट एंड वाटर अब देखिए सबसे कॉमनली जो हम लोग का टेबल सॉल्ट भी है वो एन ही है सोडियम क्लोराइड फिर बेरियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट ये सभी सॉल्ट अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं ये एक इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है हमारे डेली के खाने पीने में एंड ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है ये देखिए ये यही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर के रिएक्शन में आपको लिख के बता दिया है चलिए देखते हैं फिर अब ये देखिए डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर अब मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर में आपने डाला और ये जो क्या करते हैं इसके पार्ट के आपस में डिसोसिएट हो जाते हैं कैसे डिसोसिएट होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पानी के अंदर डालते ही जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं और सोडियम प्लस आयन निकल जाता है और क्लोरीन माइनस आयन निकल जाता है ये एक प्रकार का आयनिक प्रोडक्ट है एन ए सी एल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज ए क्लस्टर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एन ए प्लस एंड निगेटिवली चार्ज सी एल माइनस क्लोराइड आयन एन सी एल जो है एक सॉलिड के रूप में प्रेजेंट रहता है ठीक है जिसमें एन ए प्लस पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रो इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्पीसीज अब मान लीजिए इलेक्ट्रो अट्रैक्शन क्या होगा जैसे मान लीजिए सोडियम में प्लस है और क्लोरीन में माइनस है निगेटिव चार्जेज हैं निगेटिव चार्ज एट्रैक्ट टू ईच अदर मतलब अपोजिट चार्जेज एट्रैक्ट टू ईच अदर तो यहाँ अपोजिट चार्जेज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रो फोर्स के द्वारा ये क्या होता है आपस में अटैच होता है देखिएगा द इलेक्ट्रो फोर्सेस जो दोनों के बीचों में लग रहा है अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रो फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस आर इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम ठीक है मीडियम का जो एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये एक प्रकार का फिजिकल मेजरमेंट है जो कि उसकी रिएक्टिविटी और डिफ़ोफिएशन को डिफाइन करने में यूज किया जाता है तो कहता है कि जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अब वाटर जो कि एक यूनिवर्सली सॉल्वेंट है पॉसेस अ वेरी हाई अ वेरी हाई डाईलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो अब जब इसका ये वाला मैटर बहुत हाई रहेगा तो ऑब्वियसली है कि वो वॉटर <coughs> जो है उसके अंदर में वॉटर के अंदर में एनए सी एल जो है स्प्लिट कर जाएगा <coughs> देखिए दस एनए सी एल डिजोल्व इन वाटर इलेक्ट्रो एस्टेटिक इंटरेक्शन आर रिड्यूसड बाई द फैक्टर ऑफ ए टी

अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। जो मैं बता दूं कि एक बहुत बड़े स्वीडिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं इनकी एक फेमस थ्योरी जो है केमिकल कैनेटिक्स पे भी ही है जो हम लोग आगे की ओर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे लेकिन तत्काल यहाँ देखते हैं कि बेसिकली इनका इनकी जो थ्योरी थी वो क्या है देखिए अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी आर्ेनियस ने जो बताया एसिड वो सबस्टाम्स होते हैं एसिड आर सबस्टाम्स दैट डिसोसिएट्स इन टू इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन इन्होंने सिंपली एक लाइन में बात को ख़त्म करते हुए कहा कि एसिड वो सबस्टाम्स होते हैं जो अगर वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन आयन देंगे और बताया कि बेस जो है वो सबस्टांस होता है जो कि हाइड्रोक्सिल आयन ओ एच माइनस आयन को वाटर में प्रोड्यूस करता है ऑन डिसोसिएशन अब इसको एग्जाम्पल में देखा जाए जैसे मान लीजिए एच एक्स एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल लिया गया है जहां पर एस तो मान लीजिए हाइड्रोजन एच प्लस आयन है और एक्स कुछ भी हो सकता है हेलोजन का कोई भी ग्रुप एच सी एल एच बी आर एच व्हाट फोर एवर तो ये डिसोसिएट हुआ देखिए एच प्लस और सीएल माइनस में आया देखिए यहां एच प्लस तो डिसोसिएट होके निकल गया तो मतलब के हिसाब से सोल्यूशन में दे दिया ये एसिड होगा उसी तरह से देखिए यहाँ एच एक्स और एच टू ओ में लगा तो ये क्या करता है एस टू ओ में फिर से एक एच प्लस दे दिया हाइड्रोनियम आयन बन गया क्लियर है <coughs> फिर ये एसिड हो गया अब यहाँ देखिए एम ओ एच एम मतलब ये कोई मैकेनिक कंपाउंड होगा व्हाट्स वेबर लेकिन ए ओ जुड़ा हुआ आप यहाँ ले सकते हैं एन ओ एच एन एच ये एन ए एम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एन <coughs> एम <M> के जगह <coughs> कोई सा भी दूसरा आपको मैं बता दूं कि कंपोनेंट हो सकता है तो एम हो गया यहाँ पे ओ एच देखिए एम प्लस और ओ एच माइनस में आ गया अब यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये जो है कॉन्सेप्ट वो सिर्फ इससे कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस थ्योरी के जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल लॉ हो गया हर पर एप्लीकेबल है नहीं ऐसा नहीं है इसकी कुछ आ, अपने कॉन्स्ट्रेन हैं कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम लोग डे टू डे में आगे पढ़ेंगे यहाँ क्या है कि ये सिर्फ ना एक सोल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है किस पे होता है ये ये सिर्फ एक्वा सोल्यूशन पे एप्लीकेबल है देखिए एप्लीकेबल ओनली टू द एक्वा सोल्यूशन फिर क्या है डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ फर्स्ट टर्म्स लाइक अमोनिया विच डॉट पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब इसमें एक उदाहरण आ गया कि भाई देखिए अमोनिया जो है एन एस थ्री ये एक बेस है अब सवाल है कि अर्हेनियस कह रहे हैं कि ओ OH एच देने वाले ही बेस हैं तो इसमें तो एच ही है तो फिर ये ओ OH एच कैसे देगा लेकिन है तो ये बेस इट डज नॉट गिव ओ एच ओ एच तो ये नहीं देता है जब यह ओ एच नहीं देता है तब तो ये बेस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यह है बेस तो यहां पर इनकी ये थ्योरी फेल कर जाती है ठीक है तो यही सारे यही एक कंसेप्ट था अब यहाँ थोड़ा ये यह देख लीजिए कि अगर मान लीजिए एच प्लस अगर निकला बेयर प्रोटॉन तो एच प्लस वेरी रिएक्टिव है और ये अकेले नहीं रह सकता है सोल्यूशन में तो क्या करता है कि इट बॉन्ड्स टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ द सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल टू गिव ट्राइगोनल पैरामिडल हाइड्रोनियम आयन अब आप देखिएगा बहुत जगह आप लोगों ने हाइड्रोजनियम हाइड्रोजियम आयन जैसे एस थ्री ओ प्लस जो है आपने देखा तो तो यहाँ पर यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान में लिया गया कि मान लीजिए एस टू जो है टूटकर H एच प्लस और ओ एच माइनस में बनता है तो ये ओ एच एच प्लस को बोला ये बहुत रिएक्टिव है और ये जाकर ना वाटर के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होकर जो है एक कंपाउंड बनाता है एस थ्री ओ प्लस तो ये जो देखिए यहाँ पर फाप दिख रहा है एस टू है इसमें आके एच जुड़ गया तो एस थ्री ओ प्लस एक कंपाउंड बनाया जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल पैरामीडल होता है ट्राइगोनल पैरामीडल स्ट्रक्चर से का ये सेप बनाता है और इसको जो है ना हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं तो आप पूरा बोल सकते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल हाइड्रोनियम आयन इसका जो फुल नेम हुआ ठीक है इसी को ध्यान में रखिएगा ट्राइगोनल पैरामिडल हाइड्रोनियम आयन <coughs> यहाँ पर देखिए इसके स्ट्रक्चर फ्री आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखाया गया है अब देखिए हाइड्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रहता है हाइड्रोक्सिल भी एग्जिस्ट करता है लेकिन दूसरे फॉर्म में देखिए द हाइड्रोक्सिल आयन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म इन एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रेटेड फॉर्म में ये कैसे रहता है एस थ्री ओ टू माइनस में ये देखिए एस थ्री ओ टू माइनस में तो आप सभी देखने वालों के लिए मेरा ये कहना था कि यही सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एन बुक के अकॉर्डिंगली हैं आप इसको बार बार देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जिसमें आयनिक इक्बिरियम इन सॉल्यूशन और आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस को काफ़ी अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बार बार देखिएगा थैंक यू